हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग की है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड किया है और उसका जो फॉर्मेट है वो M4A है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो ये ऑडियो है, ये मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी और जब मैं इसका यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी आती देखिए M4A। ठीक है दोस्तों, M4A से जो लॉस है वो क्या है, जैसे कि मान लो मुझे इसको एडिट करना है, इसको एम्पलीफाई करना है या कुछ इसमें एडिटिंग करनी है इस आवाज़ में, तो मैं कर नहीं पाऊँगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ओडासिटी सॉफ्टवेयर है जो, इस पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक सेकंड स्किप कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस ऑडियो को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा आता है कि जो M4A है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले MP3 में। अब इसको कन्वर्ट किस तरीके से करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, ऑनलाइन भी कर पाओगे पर ऑनलाइन मुश्किल होती है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूँ, ऑफलाइन कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, वो है आपका VLC मीडिया प्लेयर। ये आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल पर, VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसको आप ओपन करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको मीडिया में आना है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट, कन्वर्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो फाइल ऐड करनी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लो मुझे ये फाइल कन्वर्ट करनी है, तो मैं सिंपली आऊँगा ये डेस्कटॉप में मेरे, और नीचे आऊँगा तो ये मेरे इस फोल्डर में है, ये फाइल है वो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए प्रोफाइल में हमें सेलेक्ट करना होगा MP3। ये देखिए ऑडियो MP3 आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसकी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होके कहाँ पर सेव होगी। ठीक है, तो हम इसी फोल्डर में कर लेते हैं बेसिकली, यहाँ पर सिंपली डेस्कटॉप इसी फोल्डर में कर लेते हैं और उसका नाम चेंज कर लेते हैं MP3। ठीक है, और सेव कर देते हैं यहाँ पर, MP3 कर लेते हैं सेव। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट करना है और यहाँ पर देखिए आपकी जो ऑडियो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। दोस्तों, इससे फ़ायदा होता है कि अगर आपकी वीडियो और जो ऑडियो है बहुत लंबी है, चाहे कितनी भी आपकी MB की हो, वो आसानी से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी बिना इंटरनेट के। ठीक है, ये देखिए होने वाली है बिल्कुल, ये 28 मिनट की मेरी ये ऑडियो थी और यहाँ पर देखिए ये होने वाली है, बस दिखा दूँ आपको। और यहाँ पर देखिए ये हो चुकी है, देखिए हो गई है, हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये फाइल आ चुकी है MP3। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ओडासिटी में ये सपोर्ट करती है कि नहीं सपोर्ट करती है। ओडासिटी खोल लिया मैंने यहाँ पर, इसके बाद स्किप, इसके बाद ओके, और इस फाइल को हम देंगे इसमें, तो देखिए ये फाइल यहाँ पर आराम से सपोर्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी M4A जो ऑडियो है उसको MP3 में। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।